या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में हम आज बात करने जा रहे हैं नवरात्रि की चौथी अधिष्ठात्री देवी यानी कि माँ कूष्मांडा की। कहते हैं जब सृष्टि का कोई आधार नहीं था तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से इस सृष्टि की रचना की। कौन है माँ कूष्मांडा और क्या है इनकी पूजा की विधि, आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदिप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। हम माँ कूष्मांडा से प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबके जीवन में यश, बल, शांति तथा आरोग्य प्रदान करे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि माँ स्कंद माता को जो समर्पित है उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने के लिए।